को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुलंदशहर पुलिस ने बंद मकानों में रेकी कर चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। बुलंदशहर की गुलावटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुलंदशहर की गुलावटी कोतवाली पुलिस ने बंद मकानों में चोरी करने वाले दो शातिर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 16 अगस्त को गुलावटी में हुई घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1,00,000 की नकदी, ज्वेलरी, मोटरसाइकिल व असला भी बरामद किया गया है। बताते चले कि ये आरोपी बंद मकानों में रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी राशिद व रिजवान मेरठ के रहने वाले हैं। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। सर, दो अभी आपने गिरफ्तार किए हैं, क्या पूरा मामला है? थाना गुलावटी पुलिस द्वारा कल दिनांक 19/9/2022 को शाम को चेकिंग के दौरान बंद मकान से चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम राशिद पुत्र आज मोहम्मद, निवासी ग्राम जानी खुर्दखेड़ा, थाना जानी जनपद मेरठ है, तथा दूसरे का नाम रिजवान पुत्र मोमी, निवासी समर गार्डन, एक नान मस्जिद बेकरी वाली गली, थाना लेसाड़ी गेट, जनपद मेरठ है। इनके पास से 1,00,000 रुपये नकद, दो कंगन, एक मोटरसाइकिल अपाचे, एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक चाकू, दो छेनी, पेचकस और चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं। ये जो इनके पास से माल बरामद हुआ है, ये 16/8/2022 को थाना गुलावटी में आदर्श नगर मोहल्ले में एक बंद मकान में चोरी हुई थी, उससे संबंधित है। मौके से एक इनका सदस्य चोरी करने वाला वो फरार हो गया, जिसका नाम नौशाद। इनको खिलाफ विधिक कार्रवाई करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है।